हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्योमेट्री कक्षा 10 आरबीएसई और एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रश्न अपना 8 है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह बिंदु 2 और -3 और 10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए, अपने पास क्या है, दो बिंदु आपका P 2 और -3 है, Q आपका 10 और Y है, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक अपने को दी हुई है। तो हमें दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए सवाल हल करना है। तो दूरी सूत्र मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर। तो अपने पास इसके अनुसार देखिए, अंडर दी रूट ये पी क्यू है आपका, अंडर दी रूट, ठीक है। और पी क्यू बराबर एक्स क्यू का मतलब अपने पास 10, ठीक है, माइनस एक्स वन 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास वाई टू का मतलब माइनस, और ये माइनस माइनस 3 वाई वन आपका माइनस 3 ये का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये 10 है, ठीक है, आपने भैया देखा 10 देगा 10 मात्रक। तो अपने पास ये तो गया, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वन माइनस वन प्लस हो गया, प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहां पर अपने क्या करते हैं, दोनों पक्षों का यहां में इस वर्गमूल को हटाना है, इसलिए हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर तो अपने पास 10 का होल स्क्वायर देगा और इधर अपने पास क्या जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या रहेगा, 10 का स्क्वायर अपने पास 100 और ये 64, ठीक है। और ये अपने पास लिखिए एक सूत्र में, आप सरल समीकरण को बदलता हूं जिसके अनुसार हमें लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरल समीकरण हमें ध्यान रखनी है, जिसके अनुसार ये अपने पास मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके हिसाब से अपने पास क्या रहेगा, ये 100 है और हम 64 को इधर पक्षांतर करते हैं, माइनस के 64 हो गए, इधर हो गया वाई स्क्वायर और प्लस के आपका 2 3 6 वाई प्लस 9 हो गया, ठीक है। और ये अपने पास 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई 6y प्लस 9, और हम 36 को उधर पक्षांतर करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या 36 उधर ले लिया तो एक पक्ष तो क्या बच गया, बिल्कुल 0 बच गया है, और ये वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस के अपने पास क्या है, ये प्लस के 9 है, ये प्लस के 9 माइनस के 36 माइनस के 27 बच गया अपने पास इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये लोग लगा देते हैं अपन। यहां पर अपने पास देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों का गुणा करते हैं, गुणनखंड विधि से हम इस द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ घात 2 आ गई है तो ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो मैं इसके गुणनखंड करता हूं, अपने पास प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, दोनों को गुणा करते हैं 9 3 27 वाई स्क्वायर और जोड़ते हैं तो प्लस के 6 आ गए, और यहाँ हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं, यहाँ से मैं वाई बाढ़ लेता हूँ तो अपने पास यहाँ वाई बचा है, वाई स्क्वायर में से वाई गया वाई प्लस यहाँ केवल 9 बच गया, वाई बाहर चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या माइनस 3 बाढ़ ले लेता हूँ, यहाँ तो बच गया वाई और यहाँ बच गया अपने पास प्लस के 9, क्योंकि माइनस बाहर चला गया है इज इक्वल टू 0, और y प्लस 9
y प्लस नौ यहाँ बच गया आपके पास, y प्लस नौ बाढ़ लिया या y बचा, यहाँ से y प्लस नौ बाढ़ लिया या माइनस के तीन बचे इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों का गुणा क्या आपके पास जीरो है, तो एक एक करके हमारे पास क्या y प्लस नौ बराबर जीरो और ये इंप्लाइज देगा y इज इक्वल टू माइनस नौ और x माइनस तीन बराबर जीरो ये इंप्लाइज देगा x इज इक्वल टू तीन। इस प्रकार y का जो मान अपने पास माइनस के नौ और तीन ये दो आंसर अपने पास आ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोटबुक और पेन रखिए, साथ में आप नोट करते जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस चीज का फायदा सभी को मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।